जमीनी विवाद में भतीजे ने कर दी चाचा की हत्या। लंबे समय से चल रहा था चाचा भतीजे का जमीनी विवाद। रविवार रात शहर में लगभग 11 से 12 बजे के बीच जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। मामला शहर से लगी हुई नानाखेड़ी का है। यहां पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि कोटरा मुंडी गांव के स्कूल में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ थे, इसमें मृतक शिक्षक के बेटे आदित्य ने बताया कि वो काफी समय से 10 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसका 30 वर्ष पूर्व ही जमीन का बंटवारा हो चुका है। इसके बावजूद भी जितेंद्र सिसोदिया उसके चाचा भूपेंद्र सिसोदिया से जबरदस्ती जमीन लेना चाहता था। इसी के चलते रात तकरीबन 11 बजे के आसपास जितेंद्र अपनी पत्नी और साथी के साथ शिवांगी स्कूल के पास आकर उसने अपने चाचा को भी बुला लिया। उसने अपने चाचा की हत्या कर परिजनों को बताया कि इनकी लाश स्कूल के पास पड़ी है, उठाकर ले जाओ। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। भूपेंद्र सिसोदिया को अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का जमावड़ा रहता है, जिससे नानाखेड़ी क्षेत्र में जुआरियों शराबियों का आतंक बना रहता है। इस पर अगर प्रशासनिक अधिकारी अपना ध्यान केंद्रित करें तो आने वाली घटनाओं से बचा जा सकता है। गत रात्रि को दो पक्षों में एक जमीन संबंधी पारिवारिक विवाद था, जो कि राजपूत समाज से संबंधित है। उमरी क्षेत्र में उनकी जमीन थी, उस पर से चाचा और भतीजे में विवाद हुआ। भतीजा जितेंद्र सिंह राजपूत और चाचा भूपेंद्र सिंह राजपूत, इनमें आपसी विवाद विगत लंबे समय से जमीन को लेकर चल रहा था। गत रात्रि में इनमें कुछ कहा सुनी हो गई, विवाद ज़्यादा बढ़ गया, जिस पर से कि जितेंद्र सिंह राजपूत ने भूपेंद्र सिंह राजपूत को लोहांगी और डंडे से सिर पर मारा, जिसके कारण ज़्यादा गंभीर चोट होने से उनकी मौत हो गई। ऐसी स्थिति में जितेंद्र सिंह राजपूत जो आरोपी था, उसने भागने का प्रयास किया, परंतु रात में ही CSP TIs और पूरा बल चार्ली वगैरह लगा के घेराबंदी करके जितेंद्र सिंह राजपूत को तत्काल पकड़ लिया गया है और पकड़कर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह ये गंभीर जो हत्या का एक प्रकरण हुआ था, उसमें आरोपी को बहुत ही शीघ्रतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। डंडा था और कोई हथियार थे? एक उनके पास यहाँ पे लटका के बंदूक लाए थे। कितने लोग थे वो? वो दो लोग। कौन कौन? वो और उनकी भाई। क्या नाम था उनका? उनका नाम बरसा था। बरसा। तुमको भी मारा? हाँ। क्या विवाद था तुम लोगों का? हमारा विवाद प्रिंसिपल नहीं था ज़्यादा, तो धमकी देते थे। किस बात की लड़ाई थी? जमीन मांगता था, जमीन के ऊपर वो करते थे विवाद, जमीन का विवाद था। जिसने मारा है आरोपी का नाम क्या है? जितेंद्र सिंह सिसोदिया। और जो उनकी पत्नी, हाँ, क्या करता है वो? पता नहीं।